रिफ्रैक्शन मतलब समझ आता है ना सबको, रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा सबने नाइन्थ क्लास में। तो उसी के बारे में बात करेंगे हम, स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं और एंगल कैसे निकालते हैं इंसिडेंस, एमरजेंस और रिफ्रैक्शन। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो रिकॉल आज नहीं होगा क्योंकि हमने जो पहले वाला किया था उससे अलग टॉपिक है, हम सब सीधा रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। बताओ मुझे रिफ्रैक्शन के बारे में आप क्या समझते हो? आवाज आ रही है मेरी? लाइट यस सर डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर मीडियम से तो फिर वन मीडियम टू अनदर जाती है, रेयरर टू डेंसर होते हैं, डेंसर टू रेयरर। हां, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है ना, तो बेंडिंग हो है ना। यस सर व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू तो ऐसा क्यों होता है? साक्षी हैंड नीचे कर लो बच्चे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो। नियति, साक्षी, जो भी जिसने भी हैंड अप किया हुआ है, अच्छा तो बताओ ऐसा क्यों होता है? सर चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, उसके कारण ऐसा क्या हो जाता है? लाइट रेज हर मीडियम में अलग तरीके से बिहेव करती है, स्पीड डिफरेंट हो जाती है। तो हम इसी तरह से हमने बोला था कि जनरली हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता है, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पढ़ा ही नहीं हमने क्या होता है ना। तो लेकिन दो तरीके से लाइट की बेंडिंग होना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अभी तक हम जब कर रहे थे लाइट सरफेस से टकरा कर वापिस उसी मीडियम में चली जाती थी उसको क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन। अब एक मीडियम से पास होके दूसरे मीडियम पर जाएगी, मान लो ये मेरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब ये कैसा सरफेस है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, इसको अच्छे से बनाए तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या करेगा, लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करवा देगा है ना, लेकिन वापिस उसी मीडियम में लाइट नहीं आएगी। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना रहा हूं मैं, दो, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस वन है ना, और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस टू। अब लाइट जब यहां से आ रही होगी पहले मीडियम से, मान लो ये लाइट आ रही है सर, ये लाइट आई है इंसिडेंस होके, यहां पर भी दूसरी लाइट आ रही है। अब मैंने बोल दिया कि ऊपर वाला मीडियम, दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। और यहाँ उल्टा कर देते हैं, मान लो ये कैसा है, डेंसर ऊपर है और ये नीचे है, ये डेंसर हो गया और ये हो गया रेयर। क्या फर्क पड़ेगा दोनों में सर? एक टुवर्ड्स द नॉर्मल होके और एक अवे फ्रॉम नॉर्मल। Away from the normal मतलब सर, away from the normal towards the normal क्या, कब होगी? Bending होगी। Very good। देखो सबसे पहले तो angle of incidence की बात कर लेते हैं। Angle of incidence तो हमेशा उसकी किसके साथ दिखाते हो आप? Normal के साथ। Normal के साथ। यहाँ पर भी एक क्या बनाना पड़ेगा? Normal। और यहाँ पर भी एक क्या बनाना पड़ेगा? Normal। राइट ये सब तो आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा। इसमें पता है ना सबको ये नॉर्मल वाला वास्तव? यस सर। ये रहेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका। क्लियर है सबको? लाइट जा रही होगी पहले मीडियम में जब रेयरर से डेंसर, तो वो उस क्या हो जाएगी, वो बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। दिख रहा है क्या सबको? नॉर्मल के पास। क्यों सर, जाना कैसे चाहिए था इसको? देखो स्ट्रेट जैसे आई थी वैसे जाना चाहिए था सर, ऐसे जाना चाहिए था है ना।
बट ये गई ऐसे, नहीं सर इसने अपना सर बेंड कर दिया टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दिया और ये क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसी को कोई डाउट? ऐसे ही इस लाइट रे को कहां जाना था भाई? सीधा, ये भी सीधा जाना चाहती थी सर बिल्कुल, लेकिन क्या ये सीधा जाएगी? बोलो नो सर। ये कहां बेंड होगी? फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये जाएगी नहीं ऐसे, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ से आई और यहाँ चली गई। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं ये वाली लाइन हटा दूं अगर तुम्हें दिक्कत आती है, इसको डॉटेड से दिखा देंगे हम, बट ये अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था सर, लेकिन गई है ऐसे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है सबको? तो जब लाइट रे से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जब डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर जाके बेंड होती है, एक में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो रहा है, एक में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। कहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में? रेयर में। इस पे डिपेंड करती है कि स्पीड ज्यादा होगी या कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना? तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आएंगे। ये लाइट रे जो मेरी गई है, ठीक है, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं हमारा, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, रिफ्रैक्शन सॉरी, क्या बोलता है पहला लॉ? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो रिफ्लेक्शन आ गया, नो सर रिफ्लेक्शन है। फिर ये किसने बोला है बोलो? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना? वेरी गुड। क्या होता था इसका लो, पहला लो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। गलत, सेम मीडियम, लाइन ऑफ सेम मीडियम, ये भी उसी का था शायद। वो तो सेकंड लो था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट लो क्या था? फर्स्ट लो क्या था? नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि ये तो पक्की बात है, ऐसा तो होगा नहीं, तो ये लो ही बना देते हैं ना। अरे भाई नाइन्थ क्लास में पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, हाँ स्नेल्स लॉ भूल गए हो सर, ये हमें सेकंड बोला, फर्स्ट लॉ तो वो बोल देते, सेकंड बोल देते, बोला तो नहीं कोई भी। साइन आई बाय साइन आई क्या होता है? एक कांस्टेंट के इक्वल, और वो कांस्टेंट किसकी इक्वल होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो, म्यू टू बाय म्यू वन। साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल होता है? म्यू टू बाय म्यू वन। तो मैं सेकंड लॉ, देखो लॉ पहले पढ़ा देते हैं फिर हम सेकंड लॉ पे ही चर्चा करेंगे। फर्स्ट ये देखो, जैसे इन्होंने लिखा हुआ पहला, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो सेम यही वाला लॉ है ना, रिफ्रैक्टेड रे लाए इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ जो तुम पढ़ते हो, वैसे इसको पहला लॉ बोला जाता है, साइन आई बाय साइन आर क्या रहता है? कांस्टेंट। साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। कई कई जगह तुम्हें दिखेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एन टू बाय एन वन। ये दोनों फॉर्मूले हम बाद में देखेंगे ये कैसे आए, लेकिन ये अभी देखेंगे हम, क्योंकि हम इस पे आए, इसके रिलेटेड तुम्हें एक होमवर्क मिलेगा अभी, बट यहाँ तक क्लियर करो स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, मैं एन टू बाय एन वन ही लिखू क्योंकि पीछे एन टू बाय एन वन लिखा हुआ, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। लो एन टू और एन वन क्या है बताओ,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विजिबल टू अस। तो लाइट रे अगर यहां से जा रही है और अगर यहाँ जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये म्यू वन, ये म्यू टू, तो ये म्यू टू क्या होगा? तो ये होगा याद रखो हमेशा, एन टू वो मीडियम होगा जहां लाइट जा रही है, और एन वन वो है जहां से जा रही है। समझ में आ रहा है क्या बात सबको? यस। साइन आई वाई साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू क्या है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन वन भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन कौन से मीडियम का? एन टू वो जहां लाइट जा रही है, एन वन वो जहां से जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऊपर वाले का मीडियम वन है, नीचे वाले का मीडियम टू है, ये है, ये एन टू है, और लाइट सेकेंड मीडियम में जा रही है, तो ऊपर क्या आना चाहिए? एन टू। तो देखो ऊपर एन टू ही है, अगर आप देखो इस फॉर्मूले में तो दिख रहा है। अगर मैं इसका नाम बदल के एन वन लिख देता, इसका नाम बदल के एन टू लिख देता, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर एन वन लिख देते थे, यहाँ पर क्या लिख देते थे? एन टू। क्यों? तुमने सिर्फ इतना देखना कि कहाँ लाइट जा रही है, वह वाली चीज ऊपर आनी चाहिए। अब तुम्हें कहीं पर भी भेज दे वो लाइट, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात तो कर ली। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट किसके इक्वल है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो के। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम फर्स्ट टू स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जो तुम बोल रहे हो ना बच्चे, वो है तो ठीक, लेकिन वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं कि क्या होता है, कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट की लाइट को अपने अंदर रखने की कैपेसिटी। नहीं, थोड़ा सा और सोचो। ये होता है बच्चे, लाइट की स्पीड को अपोज करने। नहीं, एक किस्म से दूसरे तरीके से बोलो। देखो इसको बोलोगे रेशियो वैक्यूम में और किसी भी मीडियम में। इट इज द रेशियो सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसिटी इन एनी लाइट इन मीडियम मीडियम। इसको लिखते एन से है, ऐसे लिखते हैं, वैसे ईटा से लिखते हैं कभी कभी इसको। ये किसके इक्वल होगा? ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वैक्यूम, और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। क्लियर है क्या सबको? ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस सर। अब एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे यहां पर दिखाया हुआ है। ये देखो एन टू बाय एन वन लिखा हुआ है यहाँ पर, सबको दिख रहा होगा। यस। ये देखो, ये सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब मैं ऐसे लिख दूं अगर N21, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? N2 by N1। N21 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दो चीजों को, दो जगहों को कंपेयर कर रहा हूँ, दो मीडियम को कंपेयर कर रहा हूँ। पहले तो सबको वैक्यूम के साथ तोल रहा था, अब दो को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है सबको? यस सर। क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि अब मैं दो स्पीड को कंपेयर कर रहा हूँ ना आपस में,
स्पीड, दो स्पीड को जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऐसे समझो, है ना, दो मीडियम को अलग अलग कंपेयर कर रहा हूँ, तो एन टू बाय एन वन ऐसे ही होता। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू करता तो क्या बोलते, N1 by N2। और अब कुछ नहीं करना तुमने, n की वैल्यू तुमने लिख दी। अगर मैं तुमसे सिर्फ n1 की बात करता, n1 कैसे लिखते तुम, मानो यहां लिख देते हैं n1, n1 पूछता सिर्फ तुमसे मैं, n का फॉर्मूला क्या होता है n1 का, सिर्फ n1 का स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। ऐसे ही n2 का फॉर्मूला क्या होता, सी अपॉन v2। अब n1 और n2 की वैल्यू पुट कर दो, n2 की जगह क्या है, सी अपॉन v2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी अपॉन v1। सी से सी कट गया तो n2 1 को आप क्या बोल सकते हो, v1 by v2। क्लियर है क्या, यानी n2 1 क्या है, N2 1 क्या है, रेशियो है स्पीड ऑफ, अगर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रहा हूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। देखो आप ध्यान से अगर देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं निकाल तो किस रहा था, सेकंड मीडियम का, अगर मैं आप इसको अच्छे से लिखू तो इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा ना, N2 1 की वैल्यू आई है ना, और N2 1 को मैं क्या लिखता हूँ बच्चे, N2 by V1 by V2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, N2 V2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है और N1 V1 के। देखो आमने सामने नहीं आए क्या, आमने सामने आए क्या, नो सर, क्लोज में आए, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी लाइट की, उसमें तो इसीलिए बोला जाता है कि रेयरर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो वहां स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा ज्यादा। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको ये बात, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप क्या बोल सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ठीक है, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन है, अगर मैं तुमसे पूछता n1 बाय n2 की वैल्यू, किसकी, n1 बाय n2 क्या बात होती भाई, n1 2 वन विद रिस्पेक्ट टू v2 अपॉन v2 अपॉन v1। अगर n2 अपॉन n1 है तो ये होता n2 1, और इसकी रेशियो होती v1 अपॉन v2। ये दोनों चीजें जिसको समझ नहीं आई वो बात कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा आप तो। अब जो वो बच्चा बोल रहा था ना केशव कि इसका कितना अपोज करेगी, एक किस्म से वही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट की स्पीड किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना कम होती है ना, वही क्या है उसकी, हमारी बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, एक किस्म से वैसा बोल सकते हो, कुछ गलत नहीं है उसमें बोलने में, लेकिन एग्जैक्ट ये होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि वो स्पीड को ही रिलेट कर रही है ना, तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, बस इतना ही। यहां तक किसी को कोई डाउट, तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ध्यान से सुनना, इसके बाद एक होमवर्क भी साथ साथ तैयार है, साइन आई बाय साइन आर, अगर मेरी लाइट जा रही है मीडियम टू से मीडियम वन से मीडियम टू पर, ठीक है, ऐसे जा रही है, और ये मीडियम है मेरा रेयरर, ये है डेंसर, इसका है n1, इसके है n2। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा, साइन आई बाय साइन आर को n2 में जा रही है, और n2 बाय n1 का मतलब ये वाली चीज, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, v1 अपॉन v2। क्लियर है क्या सबको, देखो n2 by n1 मैंने बोला कि लाइट जा रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, सेकंड जहां पर जा रही है वो वाला मीडियम ऊपर आएगा, इसलिए n2 ऊपर आएगा, और जहां से जा रही है यानी n1 नीचे आएगा, और n2 by n1 तो अभी मैंने बताया है कि स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, n2 है तो उसका स्पीड नीचे की तरफ आएगी, n1 है तो उसकी स्पीड ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने यहाँ फाइंड आउट भी किया है, n2 1
वी1 बाय वी2। अगर n2 ऊपर है तो उस साइड ऊपर कौन आएगा बच्चों? v1। और अगर n1 ऊपर है तो ऊपर कौन आएगा? v2। तो यहाँ पर n2 ऊपर है तो ऊपर कौन आ रहा है? v1। n1 नीचे है तो नीचे कौन आ रहा है? v2। क्योंकि कैसा प्रोपोर्शनल है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है सबको? यस सर। ये तो मैंने बता दिया। अब तुम्हें एक चीज घर से पता करके आनी है सर, इसके साथ कुछ वेवलेंथ का भी रिलेशन होता है क्या? जैसे मैंने v1 by v2 लिखा हुआ है, ऐसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या λ2 by λ1 या λ1 by λ2? ये तुमको पता करके आना। और ये तुम्हें कब पता लगेगा? जब तुम किसके बारे में पता करके आओगे? होमवर्क क्या है, किसके बारे में पता करके आना है तुम्हें? स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लैम्डा का रिलेशन कोई है या नहीं है। अगर है तो वो क्या है, उसको सोच के आना तुम्हें। क्लियर है सबको? हालांकि आंसर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो लिखा हुआ है λ1 by λ2 दिखा हुआ है ना? यस सर। बट तुम्हें सोच के आना ये किस रिलेशन से आया। क्लियर है सबको होमवर्क छोटा सा? Yes, sir. ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जितनी एप्लीकेशन है वो सारी इसके ऊपर बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। जिसको ये समझ में आ गया ना, वो लिखा तो हुआ ही है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कैसा प्रोपोर्शनल है। सोच के आना, ठीक है? आइए, तो ये तक तो था हमारी बात। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तो सबको पता होगी कितनी होती है? जब भी मैं ये पूछ रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या पूछोगे सर? कहाँ पर? वहाँ पर। क्या मीडियम में जाके लाइट 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 नहीं रही? वो भी तो लाइट ही है। यस सर। कहाँ पर वो पूछ रहे? तो वैक्यूम में तो सबको पता ही होती है उसकी वैल्यू, वो कितनी होती है? 3 × 10⁸। हम मानते हैं कि एयर में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, इसलिए एयर में भी हम वही लेके चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यही स्पीड मैक्सिमम स्पीड है लाइट की। तो मैक्सिमम, क्योंकि हमने देखा ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम किसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं? वैक्यूम के साथ, है ना? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वैक्यूम में स्पीड लाइट की कैसी होती है? मैक्सिमम। क्या होती है? मैक्सिमम। अब किसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर जाएं, किसी और मीडियम में जाएंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में कितनी स्पीड कम हुई वही तय करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में स्पीड कम हुई है, मतलब वैक्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड कम हुई है, इसका मतलब वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था। अगर कम हुई है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा फर्क नहीं था। इसीलिए वैक्यूम से एयर में जाते हैं तो कोई फर्क इतना नहीं पड़ता, बहुत कम फर्क पड़ता है, इसलिए बोल देते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम का लगभग क्या माने चलते हैं? सेम। इसलिए वहां की स्पीड भी क्या जाती है? सेम। तो अगर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो ऐसे बोल लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि वैक्यूम के कंपैरिजन में इस मीडियम में स्पीड कितनी कम हुई है, इस मीडियम में स्पीड कितनी कम हुई है, वही क्या बता रहा है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर स्पीड ज्यादा कम हुई है, ज्यादा फर्क पड़ा उसमें, कम हुई है, बहुत ज्यादा कम हुई है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है सबको? अभी मैं पूछ रहा हूँ, एक सेकंड को बस। चार्जर लगा रहा था बच्चों को, इसी सही वजह से। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। एक एंगल और होता है, एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस। वो हम वैसे लास्ट में पढ़ते हैं, बाद में, लेकिन हम अभी बता देंगे। बट ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, देख लो आपको दिख रहा है ना, जब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी, जब लाइट डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ऐसे ही रेयरर टू डेंसर जाएगी तो कैसे जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर लाइट को डेविएट होना ही नहीं, जैसे है वैसे ही रह जाए, जैसे है वैसे ही रह जाए,
तो लाइट को कैसे बेंड होना चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ लाइट बेंड ही ना हो, अब क्या कैसे फेंकना चाहिए लाइट को? नॉर्मल पे, नॉर्मल पे फेंको, नॉर्मल नॉर्मल पे फेंको, तब लाइट बेंड नहीं होगी, लाइट बेंड नहीं होगी, इसलिए वो तीसरा पॉइंट है देखो, क्योंकि नॉर्मल पे साइन आई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। तो उसके लिए भी दूसरे को भी जीरो ही होना पड़ेगा, इसीलिए सिर्फ इसी वजह से। एक सेकंड रुको, ये देखो पहला लाइन पकड़ो, इसकी क्या लिखी हुई है, नॉर्मल इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाता है, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आर भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है जीरो, साइन आई बाई साइन आर कट करो वो कांस्टेंट है, साइन आई तो क्या ही है जीरो है, तो साइन आर को भी क्या होना पड़ेगा जीरो, ऑब्वियस ही बात। तो जब लाइट रे नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल नॉर्मल का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है ना, उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अगर नॉर्मल की डायरेक्शन में ही, यानी नॉर्मल के पैरेलल फेंक दो, तो लाइट कैसी रहेगी, अनडेविएटेड जाएगी, कोई भी बेंड नहीं होगा, कुछ भी बेंड नहीं होगा। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। तो तीन चीजें टेंसर से रेडर या नॉर्मल के पैरेलल, नॉर्मल के पैरेलल डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी की एक एप्लीकेशन भी होती है, हम कल डिस्कस भी करेंगे इसको अच्छे से, जो वो जादूगर होते हैं वो चीजों को गायब कर देते हैं ना, ऐसा कैसे होता है जब किसी चीज में वो डालते हैं हमें वो चीज गायब होती हुई दिखती है, ऐसा कैसे होता है, इसके बारे में हम कल डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, उसका भी रोल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेम कर देते हैं, तो बताएंगे आगे, पहले अभी जो जो मेन चीज है वो डिस्कस कर लेते हैं। आओ यहां पर देखो, ये हमारे पास लाइट रे, मतलब ये हमारे पास बाउंड्री है सरफेस की, ठीक है, यहां से एक लाइट रे आई, ठीक है, ये कौन सी लाइट होगी मेरी, इंसिडेंट या रिफ्रैक्टेड? इंसिडेंट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी या अवे? टुवार्ड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो जानी तो ऐसे चाहिए थी और चली कैसे गई, थोड़ी सी टुवार्ड्स, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये अब एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, नॉर्मल के साथ, है ना, याद रखना, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए इंसिडेंट रे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाए वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्लेक्शन में होता था सेम वैसा ही। अच्छा, तो जानी कैसे चाहिए थी येलो वाली की तरह, गई कैसे बच्चे आर वाली की तरह, तो कितना डेविएट हो गई, इतना ना, बोलेंगे डेल डेविएशन एंगल, ये कैसे पता चलेगा, अगर मान लो येलो वाली की तरफ जाते तो दोनों एंगल की क्या होते हैं, एंगल आई इक्वल होते हैं, है ना, इक्वल होते, लेकिन अब है नहीं, तो एंगल आई किसके इक्वल है, आर प्लस डेल, है ना, तो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल आई माइनस डेल माइनस एंगल आर। क्लियर है क्या सबको, तो इसको बोलते हैं डेविएशन, देखो दिख रहा है, कहां गया, यहाँ पर रेयर टू डेंसर है, अभी इन्होंने डेंसर से रेयर दिखाया हुआ, इसलिए आर में से आई मेंशन किया हुआ है, हमने कहां से स्टार्ट किया है, रेयर से डेंसर, तो आप इधर से भी ट्राई कर सकते हैं, ये देखो ये लाइट रे है, ये क्या डाला इसके ऊपर, नॉर्मल, अब लाइट रे आई ऐसे और जाना भी इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे गई नहीं, कैसे बेंड होगी अगर ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन इसको जाना कैसे था, सिर्फ कैसे जाना था, नॉर्मल की तरफ ना, लेकिन ये डेविएट होगी अपने पाथ से, इतना डेविएट हो गई क्या, है ना, की तरफ था लेकिन गई ग्रीन की तरफ, है ना, तो अब ध्यान से देखो, अब कौन सा किसके इक्वल रखोगे, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल माइनस डेल्टा, एंगल आर माइनस कैसे करोगे, सोचो, आर इक्वल टू आर माइनस डेल्टा, आई इज इक्वल टू, इस केस में क्या लिखोगे, एंगल आई
इज इक्वल टू आर आर माइनस डेल माइनस ऐसा करोगे तो डेल्टा क्या हो जाएगा एंगल आर माइनस एंगल आई आई इसमें एंगल क्या है आई में से आर को माइनस कर दिया इसमें आर में से आई कोई और ये लाजिब बात वाजिब बात भी है क्यों ऐसा है क्योंकि जब डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो जो एंगल है वो बढ़ रहा है ना ऑब्वियस सी बात है देखो बढ़ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ज्यादा हो रहा है ज्यादा में से कम को माइनस किया ऐसा दिमाग में रख लो रेयर से डेंसर में कौन ज्यादा हुआ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ज्यादा हुआ सोचो जब एरर से डेंसर तो लाइट सिकुड़ गई पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हुआ तो ज्यादा में से कम माइनस कर दो यानी आई में से आर को माइनस कर दिया अब डेंसर से रेयरर आ रही है तो उसकी स्पीड बढ़ गई एंगल बढ़ गया तो कौन सा एंगल बढ़ेगा डेंसर से रेयरर में एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ज्यादा है तो ज्यादा में से कम माइनस कर दो यानी आर में से अब क्या माइनस करना पड़ेगा आई तो ये है डेविएशन समझ में आ रहा है क्या कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताओ कितना डेविएट करिए अपने पास से तो तुम ऐसे निकाल सकते हो किसी को कोई डाउट नो सर आइए अभी इमरजेंस के बारे में हम देखते हैं ये चीज हम कल करेंगे पूरी बात इसके ऊपर ये चीज क्या है हालांकि इसमें कुछ नहीं है यही चीज मैंने आपको मेन बतानी है इस क्वेश्चन इसके ऊपर पहले बहुत क्वेश्चन आते थे बोर्ड्स में अभी भी आते हैं लेकिन पहले तो इस क्वेश्चन में जेई में भी आया करते थे ये सेकेंड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि कई लोगों को लगता है क्योंकि डेंसिटी स्पीड चेंज हो रही है वेवलेंथ चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी लेकिन रिफ्रैक्शन के थ्रू फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ठीक है हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर इज द मीडियम डेंसर लेकिन ये कैसी डेंसिटी है सर वैसी डेंसिटी नहीं है जो तुम वैसे नॉर्मल समझते हो ये लाइट के बारे में है लाइट के मुताबिक इसलिए बोला इसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं इसको सिंपल डेंसर मीडियम नहीं बोलते सिंपल डेंसर मीडियम तो क्या होता है मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी इसमें भी कुछ 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 हद तक वो चीज भी है बट मीडियम यहाँ पर ये लाइट के लिए बात कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं इसको ऑप्टिकली क्योंकि ऑप्टिक वर्ड किस लिए यूज करते हो ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली है ना उसके लिए और ये जो तीसरा रिलेशन है ये प्रूफ करना बहुत आसान है आपको दिख रहा होगा ये म्यू आर एप्सिलॉन आर ये प्रूफ करना बहुत आसान है लेकिन इसको हम कल करेंगे जब आप लैम्डा के साथ रिलेशन देख के आओगे हालांकि उसके साथ इसका रिलेशन नहीं है बट मैं आपको हिंट देता हूँ ये कहाँ से आया आपने ऐसा ऐसा कई वर्ड सुना हुआ ईएम वेव्स में यस सर सुना है सर कहाँ पर अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर ऐसे ऐसी एक चीज पढ़ी है आपने ईएम वेव्स में सर पढ़ी है पढ़ी है ऐसे वेलोसिटी यस सर पढ़ी है स्पीड ऑफ लाइट वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन बस ये वही चीज है बच्चे अब दूसरे मीडियम में जब मैं बात करूंगा तो क्या आ जाएगा वी वन अपॉन म्यू अपॉन एप्सिलॉन एम फिर इसको चेंज करेंगे हम आर की चेंज में आर की फॉर्म में इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम आर की फॉर्म में इनको चेंज करेंगे तब ये जाके आंसर आएगा लेकिन हम इसके बारे में कल बात करेंगे आज के लिए हमारे इस क्वेश्चन से इसका लेना देना नहीं है बट इसको बात जरूर करेंगे आप कोशिश भी करना ये क्या बोला हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिलेटिव टू वैक्यूम मीडियम का रिलेटिव टू वैक्यूम दोनों को डिवाइड करके आएगा ये आंसर बस और कुछ नहीं करना और ये कहां से आया फिर ये आर कैसे आया आर वाला रिलेशन भी मैंने आपको बता रखा है म्यू आर किसके इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन म्यू म्यू अपॉन म्यू ऐसे ही एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होता है एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट इन्हीं दोनों को यूज करके इन्हीं तो ये चार इक्वेशन हैं इन्हीं को यूज करके वो रिलेशन निकाला हुआ है लेकिन इसकी बात हम कल करेंगे क्योंकि कल इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं बट अभी के लिए तुम्हें ये जरूर याद रखना एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता तो है वन से ज्यादा लेकिन जनरली में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसलिए दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम मान के चलते हैं इक्वल टू वन देखो ये ऊपर साइन लगा रखा है लगभग इक्वल टू वन वॉटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप कभी नहीं भूलोगे कितना होता है 4/3 और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कभी नहीं भूलना वो कितना होता है 3/2
समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक हिंट देता हूँ, देखो एन ऑफ ग्लास बाय एन ऑफ वैक्यूम करूं मैं अगर, तो क्या आना चाहिए आंसर में? ऊपर को इसकी स्पीड आनी चाहिए, स्पीड इन v of vacuum upon v of glass, vacuum divided by speed in glass, क्योंकि inversely proportional है. n of glass by vacuum, vacuum का तो refractive index कितना होता है बच्चों? 1 glass का आपको दे रहा है 3 by 2 और 1 vacuum का 1. speed of light vacuum में कितनी होती है c, और glass में मेरे को पता नहीं, तो अब ध्यान से देखो vg की वैल्यू क्या आएगी बताना मुझे. vg इज इक्वल टू c इनटू 2 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा? 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 को 3 से डिवाइड करो, 0.66 मान लो है ना, इनटू में c, मतलब ग्लास में जो स्पीड है वो 0.67 यानी कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड इन वैक्यूम. 0.6 से मल्टीप्लाई करो, और इसको नहीं भी लिखना तो ऐसे समझ लो, ऐसे ही लिख दो कोई बात नहीं, ग्लास में जो स्पीड है वो 2/3 टाइम्स है वैक्यूम में स्पीड के. और ये हमें कैसे पता चला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसीलिए बोला था मैंने कि केचे वाली बात भी सही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दो स्पीडों को रिलेट करके बताता है कि ग्लास के रिस्पेक्ट में यानी सॉरी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम में कितनी स्पीड का लॉस हुआ है. अब आप बता सकते हैं कितना लॉस हुआ आराम से, जब 2/3 सी हो गई तो 1/3 सी का लॉस हो गया, यानी ग्लास में स्पीड 1/3 टाइम क्या हो जाता, 1/3 सी कम हो गई, यानी जो पहली स्पीड थी उसकी ओरिजिनल स्पीड का कितने टाइम्स हो गया? 2/3 ग्लास की बात करोगे तो तुम निकाल सकते हो, तुमसे ये पूछेगा बताओ ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तुम आराम से बता दोगे. मैं बता देता हूँ, vg हो जाएगा 2/3, c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁻¹. तो ग्लास में अब कितनी हो गई? 2 × 10⁻¹. समझ में आ रहा है क्या? स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी हो गई? ऐसे किसी मीडियम में भी बता सकते हो, बशर्ते आपको उस मीडियम का क्या गिवन हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सबको यहाँ तक कोई भी डाउट? तो इसी मीडियम के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हो कि स्पीड ज्यादा हो रही है या स्पीड कम हो रही है. और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी मीडियम की बात कर लो स्पीड हमेशा क्या होगी वैक्यूम के अलावा? कम होगी. एयर में भी कम होती है, एयर में भी कम होती है, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लगभग लगभग इक्वल मान. चले आगे. ये डेविएशन की बात मैंने आपको बता दी, ये रेयर टू डेंसर है, तो डेल की वैल्यू क्या आई है? आई माइनस आर. चलो अब ये क्वेश्चन है, इसको भी बाद में आएंगे क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इमरजेंस का रोल है. पहले हम जो नॉर्मल जो हमने पढ़ लिया उसके ऊपर क्वेश्चन करना है. इसके अंदर बताओ मेरे को थीटा ए की वैल्यू बतानी है आप लोगों को, कैसे बताओगे? अब लाइट रे कहां से कहां आई है, तुमने सिर्फ ये ध्यान रखना है स्नेल्स लॉ लगाते टाइम ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा जहां लाइट जा रही है. थीटा ए का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है एंगल ऑफ एरो. देखो ना एरो, वहां पर लाइट जा रही है. हाँ, तो साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल होगा बच्चों? डब्ल्यू अपॉन म्यू ए. बताओ ऊपर कौन सा मीडियम आएगा? एयर वाला आएगा. डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर. तो साइन आई की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ? अब इसमें कुछ अलग से दे रखा है ना, कैसे दे रखा है? साइन इनवर्स 3/5 लिख देंगे. हाँ, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो सिंपल ये ऐसा समझ लिया करो ना, मतलब ये एंगल की वैल्यू दे रखी है सीधा ही. भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 होता तो थीटा क्या होता? साइन इनवर्स ऑफ, यानी ये सिर्फ थीटा की वैल्यू दे रही है, एंगल की वैल्यू दे रही है, यानी सिर्फ आई की जगह इसको पुट कर सकते हो, है ना? आई की जगह जब पुट करोगे तो साइन इनवर्स से साइन तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा. तो ये सिर्फ कट जाएगा, साइन इनवर्स 4/5
या सिंपल अब देखो थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब साइन थीटा सीधा ही किसी इक्वल है 3/5, यानी साइन आई की सीधा ही वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं 3/5। जिसको ये समझ नहीं आया वो ऐसा समझ लो कि मैंने ऐसे लिखा है, साइन आई की जगह क्या लिख दिया, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ये साइन इनवर्स से साइन गया तब भी क्या बच गया 3/5। क्लियर है सबको? Yes, आया ना? देखो तो ये सिंपल थीटा की वैल्यू दे रखी है, ऐसा समझ लो ये सीधा ही साइन थीटा को देख, ठीक है, साइन हटा दो उसका, वो साइन थीटा। क्लियर है ये? नहीं पूछ लो एक बार दोबारा। क्लियर है, क्लियर है सर। चलो तो ये साइन आई की वैल्यू तो हो गई 3/5, साइन आर की वैल्यू निकालनी है क्या? हाँ, यानी साइन थीटा ए इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर कितना दे रखा है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4, 3 से 3 तो गया, तो साइन थीटा ए किसके इक्वल आ जाएगा 4/5। अगर इसको इनवर्स की फॉर्म में लिखना हो तो थीटा ए किसके इक्वल आ जाएगा, किसी को कोई डाउट? देख लो आराम से, क्योंकि हमसे साइन थीटा की वैल्यू नहीं पूछी ना, थीटा की वैल्यू पूछी, इसलिए साइन इनवर्स करना जरूरी है। डन है? जो कंफ्यूजन वाली चीज थी वो ये थी इसमें, जो इन्होंने साइन इनवर्स की फॉर्म में दे रखा था, और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो जाएगा ये क्वेश्चन सबसे? तो ये आ गया साइन इनवर्स 4/5। अब तुमसे तो पूछ भी ले कौन कितना एंगल है, तुम बता भी सकते क्योंकि ये ट्रायंगल तुमने पढ़ा हुआ है 3/4/5। साइन 4/5 कितना इक्वल, किसके इक्वल होता है? अगर साइन की वैल्यू 4/5 है, यानी ये चीज परपेंडिकुलर है, यानी बेस यहाँ है, तो ये कौन सा होता है 53। याद आ गया 53 है बस, करवाया हुआ ना 37 और 53 का ट्रायंगल, मैंने भी कराया था यहाँ पर। यस सर। 3/4। अब ये क्वेश्चन तुम करो फटाफट। अब इसमें वो रिफ्लेक्ट जो कंपेयर कर रहे थे ना, स्पीड में कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, वो पूछा हुआ है इसमें। देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ए इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम बी इज कितनी हो गई, 3/3। ऑब्वियसली बात है, मीडियम कौन सा डेंसर होगा, ए या बी? ए। चेक करते हैं अभी, हमें नहीं पता, ठीक है। लाइट ए से बी पे जा रही है, ए पर एंगल बना रही है 45, बी पर कितना बना रही है 60, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तुम्हें दे रखा है। क्लियर है क्या? कर सकते हो क्वेश्चन को, ट्राई करो, बोल दे रहा हूं, ट्राई करना। टाइम स्टार्ट हो चुका है, पोल अभी आ जाएगा तुम्हारे पास। क्यों तनिका? अच्छा आवाज नहीं आ रही, तो लीव कर सकते हो बच्चे। यस सर, सर खुद सुन सकते हो आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ऑप्शन तैयार है भाई? ध्यान से पढ़ना ऑप्शंस, कई ऑप्शंस रूट में भी हैं। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, छोटा सा अगर होगा तो, वरना फिर खत्म। कल मेन काम होगा, आज तो थोड़ा बेसिक था। लॉन्च हो चुका है पोल, आपके सामने आंसर्स हैं। टाइम नहीं मिलेगा भाई, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। एक आंसर आ गया, लास्ट 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने जो वोट दिया है वो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर सी को, सॉरी डी को, स्क्वेयर रूट 2c डिवाइडेड बाय 3 स्क्वेयर रूट 3। आइए चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए दे रखी है, नहीं दे रखी, वही निकालनी है, यानी वी की मतलब वी ऑफ ए निकालना है, राइट? क्लियर है ये सबको? यस सर। यस सर, पता है बी में कितना है, वी बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, c by 3 है ना। साइन आई की वैल्यू भी हमें दे रखी है कितनी, साइन, या साइन आई की ना बोलू तो आई की वैल्यू कितनी, 40, 45, और R की वैल्यू दे रखी है 60, यानी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट ऐसे आई है कुछ, कितने एंगल पर टकराई होगी इससे, 45 डिग्री पर, और जब गई है तो कितने पे गई है, मान लो 60 पर, यानी सब सिंपल सी बात है, अगर बड़ा एंगल तो कौन से मीडियम से गई होगी, रेयरर से, डेंसर की तरफ गई होगी, तो कुछ ऐसा गई है, ये हो गया 60, राइट? क्लियर है ये तो सबको? यस सर। तो आइए चेक करते हैं, तो हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं अपना। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कौन सा मीडियम, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है, तो क्या लिखूं, म्यू टू अपॉन म्यू वन। लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो बात नहीं है, स्पीड क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं, आप
V1 upon V2। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आसान था। V1 मतलब V A और V2 मतलब V VB। क्लियर है? यस सर। यस सर। हो गया, ये भी हो गया। तो अब एक ही फॉर्मूला यूज कर लू ना, साइन I मतलब 45 और साइन R मतलब 60, है ना, इज इक्वल टू VA कितना है पता नहीं, VB कितना है C by 3। यानी सीधा लिख दूं उसको, कितना यहाँ पर C और ऊपर चला जाएगा 3। किसी को कोई डाउट है क्या? हैंड रेस किया किसी ने? नो सर। तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। और साइन क्या होता है? √3/2। कोई 1/2 बोलना चाहता है साइन 60? तो कोई बात नहीं, बोल दो। बोलना चाहता है क्या कोई? नो सर। 3VA/C। तो VA की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 2C है ना, डिवाइडेड बाय 3√3 मल्टीप्लाई बाय में √2। तो √2 से ये 2 गया तो ऊपर क्या बच जाएगा? सिर्फ यही आंसर है। इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 3। यही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको? डी था, डी 5 ऑप्शन थे ना, डी फॉर डाउट। 4 ऑप्शन होता तो सी। पहले मेरे से भी यही दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नन ऑफ दीज। तो मैंने सिर्फ इसीलिए लगाया था कि बाय चांस मेरे को टाइपिंग करने में कोई दिक्कत हो जाए तो बच्चा नन ऑफ दीज की तरफ चला जाए, है ना, सिर्फ इसी वजह से नन ऑफ दीज लगाया था। और कई बच्चों ने, 2 बच्चों ने वहां वोट कर दिया वैसे। चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चल सकते हैं। स्नेल स्लो लगाना आ गया, रिफ्रैक्टिव एंगल्स कैसे निकालते हैं, है ना, सब कुछ क्लियर है। आइए अब ये तुम्हारे 3 होमवर्क क्वेश्चन दिख रहे होंगे। फर्स्ट, यस सर, सेकंड, थर्ड, करके आना इसको। अच्छे क्वेश्चन हैं, हो जाएंगे। चलो, और जो पिछले अच्छे क्वेश्चन थे वो दिखाते हैं। वो तुम बताओ, करके आए हो? सर सॉल्यूशन तो भेज देना। मुझे 2 बच्चों ने भेजे हैं सिर्फ, और उन 2 के पास आपको भेजने भी थे। उन 2 के पास मैंने तो ग्रुप में गए थे लेकिन उन्होंने पर्सनल भेजे हैं, तो कोई बात नहीं, उनको तो पर्सनली भेजूंगा मैं आंसर उसकी। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो करने के आपको भेजने भी थे करके? हां जी भैया। सर मैंने करे हुए पर अभी भेज दूंगा। हां ठीक है। सर तीसरा नहीं हुआ था? सर थर्ड तो मैंने जो हमने किए हैं सर आपको कल तक भेज देंगे। समझ गया हूं मैं आपकी। तो भाई तीसरा जिसका नहीं हुआ, जिन्होंने मेरे को पहले 2 भेजे उनको पास तीसरे का सॉल्यूशन आज पहुंच जाएगा। ठीक है, डन सर। चलो अगर आपने देखी नहीं फिर? नहीं नहीं देख रखी है मैंने, टेंशन मत लो। मेरे पे सीन का निशान नहीं आता व्हाट्सएप पे, तो इसका मतलब देख लिए होंगे मैंने। सर ने ऑफ किया फिर मैंने भेजी नहीं। चलो पहले इसको देखो। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साफ साफ दिख रहा है क्या? अब ये स्फेरिकल इंटरफेस है, इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल इंटरफेस। स्फेरिकल इंटरफेस मतलब अब ये जो सरफेस है मेरा नॉर्मल प्लेन वाला नहीं है, कैसा सरफेस है? स्फेरिकल। और स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल कैसे बनाते हैं? सेंटर से पास होता हुआ। कैसे पास होता हुआ? सेंटर। तो आप देखो ये डॉटेड लाइन, जब लाइट यहाँ पर इंसिडेंट आ रही है तो इसका नॉर्मल कैसे खींचे? देखो ये लाइट रे कैसे पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से, है ना। ऐसे ही ये लाइट रे जब निकल रही है यहाँ पर, इसका नॉर्मल कैसे पास होता हुआ दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा कहाँ से पास हो रहा है ये? देखो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर। तो सेंटर से अगर यहाँ पर होती मान लो लाइट रे और यहाँ पे नॉर्मल खींचता तो ये भी सेंटर से पास होता हुआ ऐसे होता, दिखता है? क्योंकि टेंजेंट के ये क्या होता? तो याद रखना ऐसे सर्फेसिस पे हम कैसे लगाते हैं? सेंटर से पास होता हुआ वो हमारे लिए नॉर्मल की तरह एक्ट करता है। अगर मान लो यहाँ पर होता मेरा पॉइंट तो मैं नॉर्मल कैसे बनाता है ऐसे। ठीक है, क्लियर है सबको? हमेशा नॉर्मल से पास होता हुआ। अब ध्यान रखो, इसने पहले पूछा है कि एंगल आर निकालो, आर डैश निकालो और ई निकालो। ई तो बात की बात, पहले आर और आर डैश बताओ। आर निकालना तो बहुत आसान है, क्या लगा दूं?
स्नेल स्लो लगा दो। देखो साइन आई बाय साइन आर बच्चे किसके इक्वल होगा, कौन से मीडियम में जा रही है लाइट, ऊपर कौन सा आना चाहिए, अंडर रूट 3/1, क्योंकि लाइट जा रही है सेकंड मीडियम ये है, फर्स्ट मीडियम ये है, तो सेकंड में जा रही है तो ऊपर किसका आएगा एन टू, नीचे क्या आएगा बच्चे N1. तो साइन आई तो तुम्हें दे भी रखा है कितना साइन 60, साइन आर तुम्हें निकालना है बच्चे, एन टू कितना है बताओ सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम रूट, जोर से बोलो मैं पूछता हूँ फिर, रूट थ्री है ना, अपॉन साइन आर कितना है, सॉरी साइन 60 होता कितना है √3/2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू √3 से √3 कट गया, यानी साइन आर किसके इक्वल आ गया 1/2 यानी आर किसके इक्वल आएगा, साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री। अगर आर 30 डिग्री है तो कोई बच्चा मेरे को आर डैश की वैल्यू बता सकता है, जल्दी जल्दी आर 30 है तो आर डैश की वैल्यू बता सकता है 30 कितनी 30 कैसे सर, मैं कोई 120 लग रहा एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने बताया सेंटर से पास हो रही है ना लाइन, तो ये लाइन भी सेंटर से पास होती है तो वो उसकी क्या होगी रेडियस हो रही है, ये भी सेंटर से पास हो रही है तो ये भी इसकी क्या हो गई रेडियस, तो दो साइड्स इक्वल हैं तो साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे इक्वल होते हैं, आर के अपोजिट है आर डैश, इस आर के अपोजिट क्या है आर, तो एंगल आर डैश किसके इक्वल हो जाएगा आर के, एंगल आर आर के, और आर अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो एंगल आर डैश भी कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री। ये बात किसको समझ में नहीं आई, मैथमेटिक्स सिंपल है ना, साइड्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं बच्चों इक्वल होते हैं, बस इसी बात है ना। अच्छा अब एंगल ऑफ इमरजेंस कोई निकाल सकता है या अप्रोच बता सकते हो मेरे को फटाफट, देखो एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो एक किस्म से कैसा एंगल है, वो तब बन रहा है जब लाइट तो नहीं होगा सर, क्या एंगल ऑफ इमरजेंस, यस देखते हैं कैसा है, देखो इस वाली बाउंड्री के लिए ये क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इस वाली बाउंड्री के लिए ये क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यहाँ पर भी स्नेल्स लॉ नहीं लगा सकता क्या, यस यस सर, स्नेल्स लॉ लगा दो यहाँ पर कैसे लगाओगे बताओ, साइन आई बाय साइन आर, ऊपर कौन सा मीडियम लोगे एयर वाला या अंदर वाला, अंदर ये एन टू है ये एन टू है, बताओ कौन सा मीडियम ऊपर आएगा, एन1 आएगा, लाइट रे जा कहाँ रही है N1 पे, N1 तो N1 by N2 यानी साइन आई कितना है sir. कितना लोगे ये आर डैश, मतलब मैं लिख देता हूँ साइन आई का मतलब साइन आर, साइन आर का मतलब साइन साइन ई, साइन ई N1 कितना है 1 और N2 कितना है सर √3 तो अब आ जाओ साइन आर डैश तो तुमने निकाल दी मतलब साइन 30 1/2 साइन ई इज इक्वल टू 1/√3 साइन 30 अभी किसी ने बोला कितना 1/2 और साइन ई इज इक्वल टू 1/√3 तो साइन ई किसके इक्वल आ गया √3/2 जैसे अभी बच्चे ने बोला 60 तो एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होते हैं, हाँ लेकिन अभी के लिए वो प्रॉपर्टी नहीं समझ रहे, वो तब होता है जब इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे है वो बिल्कुल पैरेलल जाएगी, ठीक है इस केस में वैसे आ गया बट हम हमेशा लर्न नहीं करेंगे, वो मैं बताऊंगा कौन से केस में हमने लर्न करना है, ठीक है yes. वैसे तो जनरल तरीके yes, से सेम ही रहता है ज्यादातर, बट फिर भर कई बार वो क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन कर देता है तो हम हमेशा याद नहीं रखेंगे, सरफेस एक से ज्यादा हो जाते हैं तो,
यहां तक क्लियर है सबको? Yes, अब अगर मैं पहले इस वाले सरफेस पर एंगल ऑफ डेविएशन पूछता, इस पर कितना डेविएशन है कोई बता पाएगा? मैंने बताया हुआ डेविएशन, इस सरफेस पे डेविएशन कितना आया, मतलब डेविएशन का मतलब क्या होता था? डेल्टा, 30 डिग्री का आया डेविएशन। हाँ, दोनों आई में से आर को या आर में से आई को क्या कर दो, बस माइनस। बड़ा यहाँ पर 60 है और ये है 30, तो कितने का डेविएशन आ गया? 30 का। सेकंड में गया कितने पे था? ये 30 था और वापस निकला कितने पे? 60 पे। तो फिर से डेविएशन कितने का आ गया? 30 का। तो टोटल डेविएशन 30 तो यहाँ पर आया, 30 यहाँ पर आया, तो टोटल डेविएशन कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो देखो ये दिख रहा है, टोटल डेविएशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। पहले सरफेस पे कितना आया? 30 डिग्री। दूसरे सरफेस पे कितना आया? 30 डिग्री। पहले में से आई में से आर माइनस किया, बाद में आई ई में से आर माइनस किया, दिख रहा है ना सबको? Yes, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर में से आई माइनस लिखना चाहिए था इनको, और ई की वैल्यू तुमने निकाली है कितनी? 60 डिग्री। किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? नो सर। इमरजेंस निकालना आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो फटाफट इसको समराइज करते हैं और निकलते हैं घर की ओर। सर का मैसेज आने वाला होगा, आ गया। बस हम जा रहे हैं। देखो समरी में करते हैं, स्नेल्स लो क्या बोलेगा बच्चों? साइन सारे बोलेंगे। आज मैंने सबको बहुत ज्यादा बच्चों को मैंने टारगेट करके नहीं पूछा, क्योंकि आज बेसिक था, कल बीच बीच में उठा के पूछूंगा सबसे। साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल होगा? वेरी गुड, v1 upon v2। अच्छा, उसके बाद हमने जो पढ़ा, रेयरर से डेंसर जाएगी तो कैसे बेंड होगी? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और डेंसर से रेयरर जाएगी तो away from the normal. और अगर पैरेलल टू नॉर्मल जाएगी तो अंडर बेंडिंग है ना, अंडर। अच्छा, नो बेंडिंग लिख दो तो वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, नो बेंडिंग, है ना, क्योंकि डेविएशन के लिए हम अलग सी चीज निकालेंगे अभी। और डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? आई में से आर को माइनस कर दो समय उसका मॉडुलस ले लो, सिंपल, है ना? ऐसा भी तो कर सकते हो, आई में से आर को माइनस। यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? डेल का मतलब क्या था? डेल क्या है? डेविएशन। आज के लिए इतना ही था बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, बाकी जा सकती। नो सर। ठीक है, कल इसको अच्छे से पढ़ के आना और सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने मेरे को आंसर भेजा सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे सॉल्यूशन। सर मैंने कर दिया आपको सेंड अभी क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, मिल जाएगा आज डे एंड तक आपको। मिल ग्रुप में भेज देते हैं ताकि सारों को सॉल्यूशन भी मिल जाए। सॉरी सारों को, मेरे को भी सबको सॉल्यूशन चाहिए था ना, मेरे को नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। सुजल ग्रुप में भेज देना, देखता हूँ। रिमूव कर दूंगा जो बच्चा ग्रुप में भेजेगा, उस बच्चे को रिमूव कर दूंगा क्लास से भी। मेरे को पर्सनल मैसेज कर लेना।